तो आखिरकार द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ये शो खत्म हो जाता है, और खत्म होते होते द फॉल्कन की जगह कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर जो है ये नाम आता है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर के कंप्लीट शो के बारे में। मैंने जब इस शो का फर्स्ट एपिसोड देखा था और उसके बाद जो एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने बताया था कि कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच गवर्नमेंट से अलग है। वो इस बात को लेकर चिंतित है कि थैनोस की दुनिया खत्म करने के बाद जो 5 साल में जो लोग नहीं आए, अब वो लोग वहां पर जाके रहने लग गए हैं, और अब उनके 5 साल होने के बाद जो लोग वापस आए हैं, अब वो अपनी जमीन पर वो आना चाहते हैं, और इस करके गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को वहां से हटा रही है। और इन्हीं लोगों में से एक ग्रुप निकल कर आता है जो अपनी बात इन लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है कि देखो गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ नाइंसाफी कर रही है, इनको अपनी ही जमीन से निकाल रही है। और एक तरीके से सबके सामने जो ये रिफ्यूजी इनका नाम दिया गया है, इन सबके सामने ये जो ग्रुप है वो हीरो की तरीके से रिप्रेजेंट होने लगता है, और यही ग्रुप गवर्नमेंट से लड़ने के लिए सीरम का सहारा लेता है जो इनको सुपर सोल्जर बनाता है। और ये अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते कैसे हैं, लोगों को मारना शुरू करते हैं ताकि गवर्नमेंट इनकी बात सुन सके। अब तक के जो 5 एपिसोड मैंने देखे थे उनमें इतनी कहानी क्लियरिटी से मुझे समझ नहीं आई थी कि यार एक्चुअल में ये जो लोग है वो मांग क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो 6th एपिसोड देखा तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये मांग जो है इनकी ये है कि भाई जो हम पहले से जो बसे हुए हैं 5 साल, जो लोग नहीं थे अब वहां जाकर हम रहने लग गए हैं, और गवर्नमेंट अब इन लोगों को इसलिए हटा रही है क्योंकि 5 साल खत्म होने के बाद जो लोग आए हैं थैनोस की चुटकी बजाने के बाद जो मर गए थे, जो वो वापस आ गए हैं, अब उनको अपनी जमीन वापस चाहिए। अब ये चाहते हैं कि इन लोगों को वापस जहां से ये आए थे उनको वापस वहां पर भेजा जाए। वैसे ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि हाँ जो ये जो 5 साल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिखाया है इसको चलते लोगों के बीच में जो जमीन का जो झगड़ा है वो चीजें सामने आ रही है, उनके रहने के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये चीज मुझे काफी पसंद आई। ऑब्वियसली ये चीजें उठनी थी, कुछ लोग उनकी जगह पे आके रहने लग जाएंगे, उनको उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब यहां पर 2 आर्ग्यूमेंट इस सीरीज के अंदर या इस शो के अंदर दिखाए गए, जो गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई हम उन लोगों को तो जगह दिलाएंगे, लेकिन वहीं जो सैम भैया हैं वो ये कहते हैं कि यार इन लोगों को यहीं रुकने दो। खैर जब आप ये सीरीज देखोगे या ये शो देखोगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, मैं इस चीज के अंदर डीपली नहीं जाना चाहता। इसके साथ साथ एक जो चीज चल रही है कि कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा, इसके ऊपर लड़ाई चल रही है, और जो कैप्टन अमेरिका बनने की जो लड़ाई है ब्लैक के जो साथ इन्होंने दिखाई है कि ब्लैक लोगों के साथ कैसे नाइंसाफी हो रही है। ऑलरेडी मैं इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ब्लैक लोगों के साथ इन्होंने जो इशू दिखाए हैं वो काफी अच्छे लगे मुझे। और यहां पर जो कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा, ब्लैक इंसान कभी भी कैप्टन अमेरिका नहीं बनेगा, इसके अंदर एक ऐसी सोच दिखाई गई, लेकिन एट द एंड ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। खैर ज्यादा फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आप लोग ये शो देखें और बिना इंटरेस्ट खराब हुए ये शो देखें। खैर दिक्कत यह है कि मुझे गाली नहीं खानी। वैसे कमाल की बात है, अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक इंसान की मौत हो गई थी, जो अमेरिकन अफ्रीकन था, जो उसकी मौत हो जाने के कारण जैसे वहां पर आई कांट ब्रीथ एक मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर एक जो मूवमेंट चला था, तो उसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। वहां पर एक ये जो इंसिडेंट जो ब्लैक वर्सेस वाइट का जो इंसिडेंट चला था, अगर मैं बात करूं भारत जैसे देश में जहां पर इतनी विभिन्नताएं, इतनी कल्चर, इतने रिलीजियन है, तो वहां पर अगर ये जो हालात, इतनी विभिन्नता है अगर अमेरिका जैसे देश में होती अब तक तो उनका टाटा बाय बाय खत्म सब कुछ हो गया होता। खैर छोड़ो इसके ऊपर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपने शो के बारे में। देखो मुझे इसकी कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी, मुझे VFX काफी अच्छे लगे, इसमें जो फाइटिंग सीक्वेंस जो दिखाए गए वो काफी मुझे पसंद आए। जो फर्स्ट जो एपिसोड आया था उसके अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस था, जो लड़ाई जो दिखाई गई थी वो बहुत बढ़िया थी, और एट द एंड जो 6th एपिसोड था इसके अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस जो चल रहे थे, जो फाइट जो हो रही थी वो इतनी बढ़िया मुझे लगी कि मैं बस ऐसे बच्चों की तरह उसको आंखें फाड़ कर ऐसे देख रहा हूँ कि यार बढ़िया, मतलब एक तरीके से समझ रहे हो ना भावनाओं को मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरऑल काफी चीजें अच्छी थी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद नहीं वो ये कि भाई ये जो शो है वो टुकड़ों में रिलीज किया गया। यार टुकड़ों में कौन रिलीज करता है, जिससे एक जो एपिसोड देखा उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, अच्छा लगा कि यार हाँ आगे क्या होने वाला है। अब ये जो चीज है वो उसका वेट करो जब तक ये अगला एपिसोड आए, और जब तक अगला एपिसोड आता तब तक तो वो इंटरेस्ट जा चुका होता, फिर से यार वही चीज भी रिपीट होती। तो मुझे ये थोड़ी सी अटपटी लगी, अगर करना ही था तो एक साथ रिलीज करते, कम से कम ये जो स्टोरी का अप एंड डाउन जो हुई है वो चीज ना होती। अब अगर जिसने ये शो देख रखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी तरफ से इस शो को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार, और अगर जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उनको एक बात बता दूं, काफी अच्छी बात है आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है, आप इसे देख लीजिए क्योंकि ये कंप्लीट है, आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट खराब नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी ये जो साल है 2021 मार्वल ईयर कहलाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मार्वल अपनी मूवी
मूवीज और शो लेके आने वाला है यार, कमाल का है। अभी हाल फिलहाल में जो ब्लैक विडो मूवी आने वाली है, शांगची जो एक मूवी फिर से एक आने वाली है, लोकी जो एक शो आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो मार्वल ईयर होने वाला है 2021। यार मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इस शो के बारे में कोई भी स्पॉइलर ना जाए, अगर गया हो तो माफ कर देना यार। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।